हे hey, नमस्कार दर्शक बंधु, मैं सोमिन। तो आज के इस वीडियो में आप सभी दर्शक बंधुओं को दिखाएंगे कि मैंने जो अम्फान जो तूफान हुआ था उसमें जो बर्ड्स मेरे पास आया था ब्लैक काइट, इंडियन ब्लैक काइट, उसको मैं किस तरीके से मतलब उसको ठीक किया था, वो सब थोड़ा बहुत बताया था। मतलब वायरस देना और थोड़ा बहुत उनको डायरिया भी हुआ था, तो O2 टैबलेट भी थोड़ा सा दिया था। और पहले खाना नहीं खा रहा था, धीरे धीरे वो खाना चालू हुआ। तो देखिए, अगर आप कभी भी, मेरा ये टिप्स है कि आप कभी भी अगर कोई बर्ड्स रेस्क्यू करते हैं, ठीक है, इससे कहकर कोई बर्ड्स, और कुछ बर्ड्स होता है अलग तरीके का, जैसे कि ईगल आपका, काइट हो गया, बाज हो गया, आउल हो गया आपका, और भी कुछ बर्ड्स हैं, मतलब कुछ तरीके के पक्षी हैं जो मांस खाते हैं, मतलब मांस मच्छी ये सब खाते हैं, चिकन ये सब खाते हैं। ये सब जो बर्ड्स हैं ये ज़्यादातर फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, एक्जोटिक बर्ड्स फ्रूट वेजिटेबल्स ये सब खाते हैं। बेजिस हो गया, कॉकटेल हो गया, पोन्योर हो गया, जाबा हो गया, फिंच हो गया, छोटा छोटा इंसेक्ट खाता है ये लोग, ज़्यादा से ज़्यादा खाएगा ये इंसेक्ट, उससे ज़्यादा नहीं। और थोड़ा थोड़ा फ्लावर भी खाता है ये, फूल जो होता है, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स सीड्स ये सब खाता है। लेकिन इससे के जो बर्ड है, इंडियन ब्लैक काइट, आउल, बाज, ईगल, इस तरीके का बर्ड्स जो है, चिकन, मछली, ठीक है, मीट, ये सब खाता है। तो आप लोग जब भी कोई बर्ड्स को रेस्क्यू करते हो, तो आपको अगर आप बर्ड्स रिलेटेड कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपको कुछ भी नहीं जानते, बट आप बर्ड्स का हेल्प करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि थोड़ा सा उस बर्ड्स का अगर नाम भी आप जे नहीं जानते तो क्या करेंगे। तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि कुछ आपको आइडिया हो जाए। तो इस तरह के कुछ बर्ड्स होते हैं जो मांस मछली खाते हैं। अगर आप बर्ड्स को रेस्क्यू करते हैं, बर्ड्स बीमार हालत में हैं, घायल हैं, तो उसको लगभग पहले दिन तो आपके पास आके नहीं खाएगा, अगर आपने रेस्क्यू किया है तो दूसरे तीसरे दिन से वो खाना चालू करेगा, क्योंकि ये सब वाइल्ड बर्ड्स होते हैं, थोड़े स्ट्रांग होते हैं, एक दो दिन नहीं खाएंगे तो एक्सपायर नहीं होते हैं, ठीक है। और आपके पास आके जंगल से आके इंसानों के अटैच में हुए हैं, वो नहीं खाएंगे, ठीक है। आप अगर हैंड फीडिंग करा है तो अलग बात है, लेकिन एक दो दिन में वो नहीं खाएंगे। जब दो तीन दिन बाद वाइल्ड बर्ड्स खाना चालू करेगा, तो आपको उसको पसंदीदा खाना देना होगा। जैसे कि मैंने इसका पसंदीदा खाना जो है कि चिकन और मछली मैं दिया, ये खाया। ज़्यादातर ये लोग ऐसे इस टाइप का खाना खाते हैं। तो आप अगर इस तरह के एग्जॉटिक बर्ड्स को रेस्क्यू करते हैं, जावा, फिंच, कॉकरेल, तो ये सनफ्लावर सीड, जावा हो गया तो पैडी, फिंच हो गया तो छोटा छोटा कंगनी, ठीक है, लबर्ड्स हो गया तो सनफ्लावर, कले चने, छोला जो बोलते हैं हम लोग, इस तरह का खाना नॉर्मली ब्रीडर लोग देते हैं, इस तरह का खाना ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप इस तरह के बर्ड को रेस्क्यू करते हो तो आपको इस तरह का खाना देना होगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, मतलब कोई बर्ड्स को अगर रेस्क्यू करते हैं, उसका नाम कुछ भी नहीं जानते, नाम कुछ भी नहीं जानते, आस पास में किसी से पूछिए, इंटरनेट वगैरह सर्च कीजिए कि ये बर्ड कौन से टाइप का है, क्या है, किसी को दिखाइए पिक्चर सेंड करके। बहुत सारे फेसबुक में ग्रुप हैं, पेज हैं, वहाँ पर आप पिक्चर डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये बर्ड को हमने रेस्क्यू किया, इसका नाम क्या है, क्या खाता है ये, हम इसको कैसे ज़िंदा रख सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई सेंटर नहीं है बर्ड्स रेस्क्यू करने वाला, तो आप खुद ही इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर जानकारी चाहिए, वो जानकारी आपको फेसबुक में, यूट्यूब में, गूगल में, और भी व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वो पिक्चर जब भी आप डालेंगे किसी भी ग्रुप में बर्ड्स के सर्च करके, तो आपको कोई ना कहीं ना कहीं से रिप्लाई तो मिल ही जाएगा कि भाई हाँ, ये बर्ड का नाम है, ये बर्ड इस टाइप का खाना खाता है, 4-5 टाइप का खाना आपको लिस्ट में आ जाएगा, तो आप उस हिसाब से उसका केयर कर सकते हैं। अगर आप घायल हैं, बर्ड्स का ट्रीटमेंट कर दिए, लेकिन उसको खाना देना होगा फूड, वो जितना खाएगा वो उतनी तेज़ी से रिकवर होगा। अगर वो खाना, उसका पसंदीदा खाना नहीं दे पाए, तो वो बर्ड नहीं खाएगा, बर्ड धीरे धीरे और बीमार हो जाएगा। पहले वो क्या खाता है वो आपको जानना पड़ेगा। तो मेरे पास तो बर्ड सही है, बिल्कुल एकदम फिट फाट है, आप लोग देख ही चुके हैं, बाकी यही है। और देखते हैं जो हमारे यहाँ पे रेस्क्यू टीम वाले कब आते हैं, कब लेके जाते हैं, नहीं आते तो मैं थोड़ा जाऊँगा देने के लिए, फिर से मैं बात करूँगा, कॉल करूँगा, और आप लोगों को क्या रिप्लाई आता है शेयर करूँगा। बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, मतलब वीडियो थोड़ा आ रहा है गैप में, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है। इतना ज़ोरदार तूफान के कारण बहुत सारे बिजली के जो लैंप पोस्ट हैं वो गिर गए हैं, पेड़ गिर गए हैं, इसके लिए बिजली हमारा तो नहीं आया था, मतलब कल ही बिजली आया, इतने दिनों से इलेक्ट्रिक नहीं था।
ठीक है, फ़ोन को चार्ज करना, इंटरनेट वगैरह सही से काम नहीं कर रहा है, कॉल ड्रॉप हो रहा है, सही से कॉल पिक नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। अभी थोड़ा ठीक है, अभी वीडियो बना रहा हूँ, अब वीडियो कंटिन्यू आएगा। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए पेट्स एम्पायर। जय हिंद।